हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कर रहे हो अपने 12th बायो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपकी यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से आती है। आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ऑल दीज टेक्निक्स आर द बोन फॉर द चाइल्डलेस कपल्स। एंड व्हाट आर दीज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ बॉडी से बाहर गैमेट्स को फ्यूज किया जाता है। जब बॉडी के अंदर नेचुरली गैमेट्स फ्यूज करते हैं, दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। और जब बॉडी के बाहर लैब कंडीशंस में उनको फ्यूज कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेल पार्टनर से स्पर्म लेंगे, फीमेल से ओवम लेंगे और उनको लैब साइड में, लैब कंडीशंस में उनको क्या करवाएंगे, फ्यूज कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जाइगोट बन जाता है सक्सेसफुली, तो उस जाइगोट को हम ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। उसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गैमिट्स फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस केस में जाइगोट को हम लैब कंडीशन में बाहर बनाएंगे और उसके बाद उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम डायरेक्ट जो हमारा एम्ब्रियो है या 8 ब्लास्टोमर्स की स्टेज पे जब है, तो डायरेक्ट उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। यूट्रस जिसके अंदर प्रॉपर 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड रहता है, डायरेक्ट आप वहाँ पे उसको ब्लास्टोमर स्टेज पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन विवो, आपको पता लग गया बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें, अगर गैमेट प्रॉब्लम है, सपोज फीमेल पार्टनर have less number of ovum or the male partner have less number of sperms, in that case gametes are transferred, so that is called GIFT, gamete intrafallopian transfer, कि हमने sperm ले लिया और उसको हम कहाँ transfer करें, direct fallopian tube में। आपको पता है fallopian tube में से ovary से ovum release होएगा 14th day में, तो fertilization के chances आपको पता है 10-17 days of reproductive cycle ज़्यादा होते हैं, तो उस समय में gamete यहाँ पर fuse कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कर सकते हैं, अगर हम ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दें, ठीक है, फ्यूज डायरेक्ट करवा दें, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो ये भी एक स्पेशलाइज टेक्निक है जिससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकता है इन लैब कंडीशन। अगेन मैं बता रही हूँ, लैब कंडीशन में सब में हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट कम है, या अगर हम कहें कि उसका शेप नॉर्मल नहीं है, वट एवर इज़ द रीज़न, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जा सकता है। ये उस केस में किया जाता है जब हम स्पर्म बैंक से स्पर्म लें, या फिर स्पर्म मोर्टेलिटी ठीक नहीं है, तो उनको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द स्पर्म बैंक और फ्रॉम द मेल पार्टनर। देन IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अगर हम गैमेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट यूट्रस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर फॉर चाइल्डलेस कपल्स। लेकिन इससे भी अच्छी बात पेरेंट्स बनने के लिए वो कर सकते हैं एडॉप्शन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्फेन या डिस्ट्यूट चिल्ड्रन हमारी कंट्री में हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंटलेस चिल्ड्रन हैं जिनको पेरेंट्स की आवश्यकता है। सो इस केस में अगर ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करना है तो ठीक है, नहीं तो वी कैन गो फॉर एडॉप्शन, या फिर और भी हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम गोद ले सकते हैं। सो ऑल दीज फुल फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। बिसाइड दैट एक है MMR, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक आपका आ जाता है MTP, MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीटस सही से डेवलप नहीं हो रहा है, उस केस में उसको जो है अबॉर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज द अल्टरनेटिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसको मदर एंड बेबी चाइल्ड के लिए उसको हमने कर दिया RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो ऑल दीज फुल फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।